मिलते हैं। मैक्सिमम बच्चों को जब 12 के बाद जाते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आती है। एक आध महीने के अंदर बच्चे पूरा, चूँकि आप बी ए बी एस सी भी करोगे इंटर के बाद, तो आपको इंग्लिश में बी एस सी का क्लास करना होगा, तो आप क्यों ना कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करो, कम्पिटिटिव सरकारी की तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। ठीक है, आपके पास मैं जिस दिन प्राइज लेने आऊँगा मैसेज आएगा, ठीक है, या टीचर्स को मैं इन्फॉर्म कर दूँगा, आप लोग सारे लोग अवेलेबल रहेंगे, आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास टीचर पढ़े हुए हैं, हमारी जो कोचिंग है 15 साल पुरानी कोचिंग है। खास बात है कि जब से कोचिंग खुली हुई है तब से उसकी पूरी टीम है, टीम यानी टीचर्स जो पढ़ाते हैं, तो वो पूरा इन्वायरमेंट समझ चुके हैं, बच्चों से अपना लगाव है, इंट्रैक्शन है, पढ़ाते, जिसका कारण है कि यूपी बोर्ड का 90% रिजल्ट हमारे यहाँ से। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर चर्चा करना, आपके क्षेत्र से आपके जो 12th में बच्चे हैं वो लोग खुद बताएंगे, उनको पता, मैं अभी क्लास में गया तो वो बता रहे थे कि सर आपके कोचिंग का नाम मैंने सुना है, आपके राजा तालाब से हमारे यहाँ रिजल्ट है, बनारस से मैक्सिमम बच्चे रिजल्ट, आप ये जमुई वाले रोड पर चल जाओ, हम लोगों ने बैनर लगाया है, आप लोग रोड पर देखना, जरूर सर्च करना, या अपने टीचर से डिस्कस करना इसके बारे में। बाकी क्वेश्चन पेपर अगर किसी बच्चे को डाउट्स होगा तो नीचे दिया गया है कोचिंग का एड्रेस, कबीर नगर दुर्गापुर स्काई ग्रुप हो गया, नंबर भी दिया गया है कोचिंग का, तो आप लोग बेझिझक उस पर फ़ोन करके आप लोग हमारे जो टीचर से आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं, थैंक यू।